एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि M2 क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊं M2 और M@ का इस्तेमाल कब करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमें डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले M2 का कंसेप्ट समझें, उसके बाद देखेंगे कि M@ का इस्तेमाल कब करना है। M2 का मतलब होता है इरादा होना, यानी इंटेंड टू। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो मुझे अमीर बनने का इरादा है, उसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का इरादा है, उसे करोड़पति बनने का इरादा है, मुझे एक महान टीचर बनने का इरादा है, तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंस है जहां आप कहते हैं किसी इंसान को किसी चीज का इरादा है को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे M। यहां मैं आपको बता दूं कि M का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। आपका सेंटेंस जिस टेंस में हो उस टेंस के अकॉर्डिंग आप M का फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। मुझे एक महान टीचर बनने का इरादा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम टू बी अ ग्रेट टीचर, यानी मुझे एक महान टीचर बनने का इरादा है। अगर आपको कहना हो उसे करोड़पति बनने का इरादा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही एम्स टू बी मिलियनेयर, यानी उसे करोड़पति बनने का इरादा है। मेरे दोस्त को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का इरादा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई फ्रेंड्स एम्स टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आपको कहना हो मेरी बीबी को IAS ऑफिसर बनने का इरादा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई वाइफ एम्स टू बी एन IAS ऑफिसर, यानी मेरी बीबी को IAS ऑफिसर बनने का इरादा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया कि M2 का मतलब होता है इरादा होना। अगर हम बात M@ की करें तो M@ का मतलब होता है निशाना लगाना। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो मैंने उस चिड़िया को निशाना लगाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम्ड एट दैट बर्ड, यानी मैंने उस चिड़िया को निशाना लगाया। अगर आपको कहना हो मैंने आपको निशाना नहीं लगाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डिडंट एम एट यू, यानी मैंने आपको निशाना नहीं लगाया। अगर आपको कहना हो क्या आप उस शेर को निशाना लगा सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कैन यू एम एट दैट लॉयन, यानी क्या आप उस शेर को निशाना लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि M@ का मतलब होता है निशाना लगाना। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी तक आपने M का इस्तेमाल एज ए वर्ब देखा, लेकिन M एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य या मंजिल। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहना हो मेरा मंजिल कामयाब होना है या मेरा उद्देश्य कामयाब होना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई एम इज टू बी सक्सेसफुल। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया वर्ड M एक नाउन का काम कर रहा है। अगर आपको कहना हो मेरा उद्देश्य महान बनना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई एम इज टू बी ग्रेट, यानी मेरा उद्देश्य या मेरा लक्ष्य या मेरा मंजिल महान बनना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आया। अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।